नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोज जायसवाल। आप देख रहे हो टेक्निकल आरजेएम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Realme Q5 में किस तरह से ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं। दोस्तों शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डायलर बटन पे क्लिक किया, फिर थ्री डॉट पे क्लिक किया, फिर सेटिंग पे क्लिक किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको शो करने लगेगा कॉल रिकॉर्डिंग के ऑप्शन। यहाँ पे ये दिया है कॉल रिकॉर्डिंग, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको तीन ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन मिलता है आप डिलीट कितना दिन में अपना कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट करना चाहते हैं या कभी नहीं डिलीट करना चाहते हैं, तो नेवर पे क्लिक कर देंगे तो कभी नहीं डिलीट होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है 7 दिन के अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट कर सकते हो, 14 दिन के अंदर डिलीट कर सकते हो, 30 दिन के अंदर डिलीट कर सकते हो। यानी कि जितना दिन पे आप क्लिक करोगे उतना दिन का कॉल रिकॉर्डिंग इसमें रहेगा और बाकी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है ऑलवेज कॉल रिकॉर्डिंग, यानी कि कोई भी नंबर से कॉल आए हमेशा आपके मोबाइल का कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रहेगा। तीसरा ऑप्शन दोस्तों ये दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि एक दो नंबर पे ही आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो, बाकी किसी नंबर पे कॉल रिकॉर्डिंग ना हो, तो उसी प्रकार से होगा। जो नंबर आप इसके अंदर सेव कर देंगे, ये नीचे ऑप्शन दे रहा है, इस पर आप सेटिंग कर दोगे वही नंबर पे आपकी कॉल रिकॉर्डिंग होगी, बाकी किसी भी नंबर पे कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अगर उसके अंदर आप 5 नंबर सेव करके रखते हो तो 5 नंबर पे कॉल रिकॉर्डिंग होगी, अगर 10 नंबर रखते हो तो 10 नंबर पे कॉल रिकॉर्डिंग होगी, अगर 1 नंबर रखते हो तो 1 ही नंबर पे कॉल रिकॉर्डिंग होगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।